पिताजी, आपका हत्यारा बहुत खुश है कि वो आज कोर्ट से रिहा हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने सेल्फ डिफेंस के कानून का सहारा लिया है, मैं भी उसी कानून का सहारा लूंगी, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दीवान साहब ने जो कुछ किया और बाद में जो कुछ हुआ, वो सब यही हुआ। जज साहब, आपने भी तो देखा था, तो अब बोलने के लिए बचा क्या है? जो गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ। कुछ ऐसी बातें भी कहनी पड़ेगी जो इस अदालत में नहीं हुई थी। हम ठहरे गरीब लोग, हमारे पास न तो दहेज देने के लिए रुपए हैं और न ही वकील की फीस के लिए, इसलिए मैं खुद ही इस केस की पैरवी कर रही हूँ। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर अंकुश, आपको एक वादा करना पड़ेगा कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी, आप उसका जवाब बहुत ही शांति से दीजिएगा। शांति से ही जवाब दूंगा। भड़क मत जाइएगा। जी हरगिज़ नहीं। सुना है आपकी माँ वैश्या थी? मुंह संभाल के बात कर। आपकी माँ वैश्या थी या नहीं? खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो। साली कमीनी। योर ऑनर, मेरे इतना समझाने के बावजूद कि शांति से जवाब दीजिए, जब मैंने इनसे ये कहा कि इनकी माँ वैश्या थी, जो एक सच है, तो ये भड़क उठे। तो बताइए योर ऑनर, मेरे पिता दीवान साहब को उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आता जब उनको वैश्या का बाप कहा जा रहा था, वो भी इस भरी अदालत में चीख चीख कर सबके सामने? मिस्टर अंकुश, आप रिवॉल्वर अपने पास हमेशा रखते हैं या नहीं? हाँ। योर ऑनर, रिवॉल्वर हमेशा अपने पास अक्सर वो लोग रखा करते हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है या शोहरत। दौलत तो आपके पास है नहीं, क्योंकि चरस पीने के लिए पैसे भी आपको ससुराल वालों से भीख में मांगने पड़ते हैं। अब रही शोहरत की बात, तो इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आधी रात के बाद गली के आवारा कुत्ते आप पर भौंकते जरूर होंगे। आपके पास न तो दौलत है न शोहरत, फिर अपने पास रिवॉल्वर रखने की वजह क्या है? वजह यह है कि आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं, आप गुंडे हैं। तू मुझे घटिया इंसान और गुंडा कह रही है? मैंने तो फिर भी कुछ अच्छा कह दिया। आपके ससुराल वाले तो आपको कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं वो? आपकी सास आपको नामर्द कहती है। उनका कहना है कि जो मर्द अपनी कमाई से अपनी बीवी बच्चों को पाल ना सके, वो काहे का मर्द, वो तो नामर्द होता है। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप इस लिहाज से नामर्द नहीं है? You shut up. आप उनके झूठन पर पलते हैं, इसलिए आप उस वफादार कुत्ते की तरह हो गए हैं जो मालिकों के कुछ कहने से पहले ही भौंकना शुरू कर देता है। बताइए, दीवान साहब ने आपसे कुछ कहा था? नहीं। चौधरी खानदान ने आपसे कुछ करने के लिए कहा था? नहीं। तो फिर आपने गोली क्यों चलाई? योर ऑनर, जो अपनी जिंदगी अपनी खुशी से झूठन और उतरन के सहारे गुजारता हो, वो हर रात पिकने वाली उन बाजारू औरतों से भी ज्यादा गंदा और घिनौना होता है। ए, बहुत बोली, अब आगे बोली रख तो। बस बस, रहने दीजिए, मुझे मत डराइए। मुझे मालूम है कि दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आप जैसे नामर्द को मर्द बना सके। हरामजादी, मैं तुझे। ये अदालत है, यहाँ किसी को धमकी देना अदालत की मर्यादा के खिलाफ। अदालत की मर्यादा की ऐसी की तैसी, तेरी तो।